दिलीप चरियन साहब, इमेज बिल्डिंग होगी इससे पॉलिटिकली? इमेज बिल्डिंग तो डेफिनेटली होगी, और ये मोदी का एक स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट और इमेज बिल्डिंग में वो बहुत जोर देते हैं, और इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया का जो इमेज है वर्ल्ड में, उस स्टेज में हमारा जो इकोनॉमिक पावर या सॉफ्ट पावर जो है, उस तुलना में हमारा प्रोफाइल बहुत छोटा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक जब एक प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ पे ध्यान देता है और इस पे इफेक्टिव है, ये दोनों चीज़ है, ध्यान देना एक चीज़ है और उन कैपेसिटी होना चाहिए इस चीज़ में। और मेरे ख्याल में उन्होंने जिन जैसे भाषा प्रयोग किया सेंट्रल पार्क में, मे द फोर्स बी विद यू, वो कनेक्ट करने का बात है, और जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि ये रॉक स्टार वाली बात है, और अब भी जो मैडिसन स्क्वायर में ये रिवॉल्विंग स्टेज वाला चक्कर जो है, वो मेरे ख्याल में कम प्राइम मिनिस्टर्स वर्ल्ड में यूज़ किए हैं किसी भी तरह। तो मेरे ख्याल में वो बहुत इमेजिनेशन यूज़ करके कई चीज़ें प्लान्स किए हैं, और NRIs जो अमेरिका में हैं, वही पिछले 12 साल से मोदी जी को फंड भी कर रहे हैं। तो उनका अपॉर्चुनिटी यूज़ करना और उस इमेज को आगे ले जाना और सेनेटर्स को इनके सामने लाना, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और इमेज मैसेज, दोनों मैसेज अच्छे हैं। काक साहब, नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनसे। सिर्फ एक बात है कि जो हमारी छवि रही है वो 1992 जब शीत युद्ध ख़त्म हो गई थी तब से बढ़ती है, उसमें कोई शक नहीं है। वो छवि पे थोड़ा नकारात्मक दबाव पिछले 2 साल से पड़ा है, जब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी नीचे चली गई। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है जो पहले यहाँ डिस्कशन हुआ था, वो ये है कि क्या हमारी प्रवासियों की समुदाय को रणनीतिक तौर पे लेवरेज किया जा सकता है। मैं 1922 जाता हूँ, एक सेंचुरी पहले। महात्मा गांधी पहले भारत के नेता थे जिन्होंने 1922 में एक डेलीगेशन भेजा था कि जो हमारी समुदाय बहुत कम संख्या थी, उस वक्त तो कोई बात इतने थे भी नहीं, कि हम इनको कैसे लेवरेज कर सकते हैं कि वो उस देश को जिनका उन्होंने अडॉप्ट किया है और हमारे उनके रिश्ते बढ़ाएं। तो उस पर प्रवासियों की जो समुदाय की अमेरिका में जो अहमियत रही है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा रही है। 1992 से जब वो शीत युद्ध ख़त्म हो गई, तब से आप स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम देखिए, आर्थिक प्रोग्राम देखिए, पॉलिसी में ये थोड़ा काफ़ी दबाव लाए हैं। मैं कहता हूँ कि रक्षा मामलों में भी, कि क्लाइटर प्रपोजल हो, उसके बाद जो मनमोहन सिंह का साहब की बात हुई है, मैं एक चीज़ दर्शकों के सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं एक राजनीतिक गुट से नहीं हूँ, मगर अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे बढ़े हैं, वो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 2004 से 9 तक और 9 के बाद जो एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है परमाणु शस्त्रों का, जिसे भारत में पहली बार डॉग हाउस से निकाल के मेन स्ट्रीम में लाया गया, मुख्य धारा में लाया। हमारे सारे जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे वो 40% की कैपेसिटी पे चल रहे थे, आज वो 100% पे चल रहे हैं, क्योंकि उस समझौते ने हमें ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर यूरेनियम का इंपोर्ट अलाउ हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमें एक जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी एक नई छवि पेश कर रहे हैं अमेरिका में, हम वो भी जानते हैं कि ये इतनी बहुमत से आए। मैं सूटों की ड्रेसेस की बात नहीं कर रहा था, जो आप शायद ठीक नहीं समझे, मैं कह रहा था कि अगर रॉक स्टार, अगर हम बात कर रहे हैं कि मेडिसिन स्क्वायर एवेन्यू की, ये आइडियल प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, मगर इसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहा, जो कि जो मीडिया दो विषय अमेरिका काफ़ी देर से मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो जिस तरह की मैंडेट लेके आने वाले हैं, मैं समझता हूँ वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा देर हुआ, पर लेकिन मैं समझता हूँ अभी जिस तरह की पॉपुलैरिटी देश में है, अमेरिका में है, जहाँ 3 मिलियन से ज़्यादा भारतीय बसते हैं, मैं समझता हूँ इसका बिल्कुल एक पॉजिटिव असर होगा इंडो यूएस रिलेशंस को आगे ले जाने में। तो दोनों तरह से मैं समझता हूँ एक तरह से एक पॉजिटिव सोच होगी एक तो। दूसरी बात जो दिलीप जी ने कहा कि अब यूथ कनेक्ट जो है,
किसी ने पैनलिस्ट ने कहा है कि 64 साल के प्रधानमंत्री है, बट लेकिन वो 64 साल के हो सकते हैं बट लेकिन 14 साल के बच्चे से कनेक्ट करते हैं, उनके टेक्नोलॉजी हो। आपने टीचर्स डे में उनके भाषण यदि सुना होगा, आपने अगस्त 15 के भाषण सुना होगा, अगस्त 15 में जिस प्रकार महिलाओं को और उनकी समस्याओं को, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो समझते, जिस प्रकार जिस अंदाज में वो प्रस्तुत किए थे, टीचर्स डे में बच्चे से जैसे बात किए थे पूरे देश भर में, मैं समझता हूँ ये हो सकता है वो 64 साल के हो, दिल से 34 साल के हैं और उनके कनेक्टिविटी 14 साल बच्चे से भी है। ये सोसाइटी को किस प्रकार समझे हैं, ऑनेस्टली मेरे लिए भी एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे करते हैं उनको टीचर्स डे में सुनते मुझे लगा ये कैसे जानते हैं। जो मेरे बच्चे 11वीं 12वीं कक्षा का जो बच्चा है जिस प्रकार बिहेव करते हैं वो बिल्कुल समझते हैं। तो ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी ट्रेंड्स हैं, और उसको पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको गवर्नेंस में कैसे वीम करना है, मैं समझता हूँ ये बाहर है मोदी जी उसको जम समझ। मुझे जो लगता है कि जो पैदा का एक बड़ा कारण क्या है, ये इवेंट मैनेजमेंट ये सब तो कोई भी कर सकता है, अगर 10,000 करोड़ हो तो क्या हर कोई कर सकता है क्या? इसके पीछे कारण कि नरेंद्र मोदी को लोग 47 के बाद के भारत का प्रतिनिधि नहीं देख रहे हैं, 10,000 वर्ष पुराने भारत के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। वो भारत की अस्मिता को, भारत की पहचान को, और जो तबाह हुआ भारत था, जो निर्विघ्न पद्धति में भारत की संस्कृति को, भारत की अस्मिता को दबा दिया गया था सेकुलरवाद के नाम पर, उसको उभार कर सामने लाए हैं। जो हर भारतीय को जो विदेश में रह रहा है, वो अमेरिका का भले नागरिक हो लेकिन उसकी सांस्कृतिक जड़ भारत में है, उसे अच्छा लग रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका भारत का संबंध अच्छा हो तो इन्वेस्टमेंट हो जाए, इसके कारण कोई उद्योगपति या कोई अमेरिकी या डायस्पोरा नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं भाग रहा है, वह सांस्कृतिक भारत एक बार भारत जग उठा है और जगे हुए भारत के नरेंद्र मोदी प्रतिनिधि हैं। भरत गुप्ता, ये भरत जी आप कमेंट कीजिए तो हम चलें वहाँ। देखिए, इसमें इनकी बात को मैं ज़रा दूसरे ढंग से आगे बढ़ाऊँगा। एक मिनट के लिए आप केवल उन लोगों को देखिए प्रवासी भारतीयों को, वो अमेरिकन भी हैं और वो ये समझते हैं कि लीडर के साथ साथ कुछ ग्लैमर होनी चाहिए, क्योंकि हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब इलेक्शन लड़ता है ना तो उसमें कुछ ग्लैमर होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ फोर्स होना चाहिए। अब एक ऐसा लीडर मिल रहा है भारत से। परिभाषा, अब ग्लैमर की परिभाषा बड़ी स्पष्ट होती है कि वो बहुत अच्छा बोलता है, वो सबके हित में बोलता है, वो एक व्यापक तरह से बोलता है, वो विश्व के जितने भी मुद्दे हैं उन सब के ऊपर बोलता है। ये केवल ग्लैमर जो है वो कट एंड स्टाइल की नहीं है, कपड़ों की नहीं है, सबके हित में बोलता है, सबके हित में बोलता है, और ये जरूरी होता चाहिए, ये जरूरी है। और वो आज आपको इस प्रधानमंत्री में मिल रहा है, जो कि पहले प्रधानमंत्रियों में इतने स्पष्ट रूप से, मुखरित रूप से हमें नहीं मिल रहा। अब वो लोग ये भी जानते हैं कि देश से वो अलग आए, अपना उन्होंने नया देश चुना, लेकिन अगर भारत ऊपर उठेगा तो उनका आना कई अर्थों में सफल होगा। थर्ड वर्ल्ड तो के उम्मीद, थर्ड वर्ल्ड के तौर पे देखा जाता है, वो नहीं देखा जाएगा बिल्कुल। अब वो ग्लैमर किससे शराब होगा? ग्लैमर नहीं, रिफॉर्म, चेंज, ग्लैमर। ग्लैमर एक रॉक स्टार के तौर पर हमारे आप टाइम्स स्क्वायर पे हैं गौरव, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है तो आप बताइए। एक हिस्सा यह भी है कि फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो ग्लैमर से सराबोर है। और अगर आप ये दृश्य देखिए यहाँ टाइम स्क्वायर पे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, टाइम स्क्वायर पर इस समय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान चल रहा है, हर तरफ मोदी समर्थक यहाँ टाइम स्क्वायर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न केवल नाम ले रहे हैं, भारत के झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप मोदी जी से मिलने यहाँ पर आए हैं, उनको सुनने आए हैं? हाँ जी, हम अटलांटा से आए हैं, हम तीन दोस्त लोग, All the way from Atlanta we have come. Times Square खासा मोदीमय नजर आ रहा है इस समय। इस काफी अच्छा नजर आ रहा है। And to answer your earlier question that why we are at a Times Square, not at the Madison Square. हिंदी में बोलिए आज तक के दर्शकों के लिए। अच्छा, क्योंकि क्योंकि अगर लोग टाइम्स स्क्वायर आते हैं 31st December और न्यू ईयर के लिए विश के लिए, तो मैं यहाँ पे इसके लिए आया हूँ कि मोदी एटलीस्ट 15 साल यहाँ पर
ये है यहाँ पर इस समय एंथुसियाज्म। अगर आप आसपास देखें तो हर जगह केवल खासा मोदीमय वातावरण है, और यहाँ पर एक फ्लैश मॉब भी है, एक डांस करने के लिए, गरबा नृत्य करने के लिए इम्प्रोम्प्टू लोग आए हैं यहाँ पर। और अगर आप इनके नृत्य को देखें तो प्रधानमंत्री के नृत्य को देखकर डांस करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं टाइम्स स्क्वायर में। कौन कहेगा कि नए साल के आगमन की इस तरह की तैयारियां हैं। ये सारी तैयारियां तो गो गुजराती, मतलब पूरा का पूरा टाइम्स स्क्वायर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों से गूंज रहा है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सब तस्वीरें खिंचाना चाहते थे। यहाँ अलग अलग बड़े बड़े मॉनिटर्स की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े मॉनिटर्स पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें रुक रुक कर आ रही हैं। जो लोग मैडिसन स्क्वायर गार्डन नहीं पहुंच पा रहे हैं सब यहीं पर आ रहे हैं टाइम्स स्क्वायर में। उत्साह लोगों में जबरदस्त है। आप ये जानना चाहेंगे, आप अभी यहाँ गरबा करने वाली थी, एकाएक क्या हुआ? सुन जी, इस तरह का इंथ्यूजियाज्म है यहाँ पर, नृत्य चल रहा है। और जो विदेशी यहाँ पर है, बड़ी संख्या में जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर हैं, वो खासे उत्साहित है, कौतूहल से इस तरह देख रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कौन से नेता हैं जिनको देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। प्रसून जी, एक तरह से देखा जाए तो भारतीय लोग कह रहे हैं, उन्हें पहली बार लग रहा है कि भारतीय शक्ति यहाँ पर उभर कर आ रही है। आइए आइए, बिल्कुल आइए, भारतीय शक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। प्रसून जी,
यू सो मच, थैंक यू. द नेक्स्ट सॉन्ग दैट वी डूइंग फॉर यू ऑल, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल सॉन्ग कॉल्ड वैष्णव जनतो, बट टुडे बिकॉज इट्स अ मैसिव ऑडियंस एंड इट्स मैडिसन स्क्वायर, वी आर डूइंग इट इन अ वेरी फ्यूजन अप्रोच वेयर बोथ माय हस्बैंड एंड सन आर जॉइनिंग मी विद दिस सॉन्ग. इट्स अ कंपोजिशन बाय माय हस्बैंड एल सुब्रमण्यम. Subramanyam for this beautiful piece. And also thank you to Padmashree Kavita Krishnamurthy for your wonderful performance.